हाय फ्रेंड्स, आप सभी का ओजस इंडिया चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि वोटर आईडी कार्ड के लिए घर बैठे अप्लाई कैसे करें। चलो देखते हैं इस वीडियो में। भले ही आधार कार्ड आ जाने के बाद वोटर आईडी कार्ड का इस्तेमाल कम हो गया हो, लेकिन यह भी एक महत्वपूर्ण और कई जगह इस्तेमाल होने वाला पहचान पत्र है। अगर आपकी उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा है और अभी तक आईडी कार्ड नहीं बना तो कोई फिक्र की बात नहीं है। इसके लिए आपको चुनाव कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। आप घर बैठे इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। चलो देखते हैं इस वीडियो में वोटर आईडी कार्ड के लिए ऐसे करें ऑनलाइन अप्लाई। सबसे पहले आपको नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट www.nvsp.in पर जाएं। वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा। यहाँ ऊपर दिए गए लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करें। अब आपको रजिस्टर एज अ न्यू यूजर ऑप्शन को चुनना होगा। अब एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। यह आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जैसे डिटेल्स डालनी होगी। सभी डिटेल्स डालकर और पासवर्ड चुनने के बाद रजिस्टर पर क्लिक करना होगा। अब लॉगिन फॉर्म खुलेगा, जहां ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर ले। अब एक नया पेज ओपन होगा, जहां आपको फ्रेश इंक्लूजन एंड इनरोलमेंट पर क्लिक करना है। अब आपको अपना सिटीजनशिप स्टेटस और स्टेट चुनना होगा, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करें। इससे फॉर्म 6 ओपन होगा। इसमें आपको एड्रेस डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, जन्म तिथि और अन्य डिटेल्स डालनी होगी। सभी जानकारी डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करें। इस तरह वोटर आईडी कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ गई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और हमारे ओजस इंडिया चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, वो बाजू वाली बेल आइकॉन भी दबा देना, ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।